मंडी कुल्लू हाईवे पर पंडोह डैम के समीप सेना का सामान लेकर लेह जा रहा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा शुक्रवार सुबह पेश आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त टैंकर सेना के लिए केरोसीन की सप्लाई लेकर जा रहा था। पंडोह डैम के समीप पहुंचते ही टैंकर अनियंत्रित होकर व्यास नदी में गिर गया। गनीमत यह रही कि व्यास नदी में पानी की मात्रा ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे में टैंकर चालक घायल हुआ है, जिसे एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ बीबीएमबी फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। हादसे में ट्रक सड़क से करीब 150 मीटर नीचे गिरने से चालक घायल हो गया है। चालक की पहचान गुरमीत सिंह पुत्र सिंह निवासी जम्मू और कश्मीर के रूप में हुई है। आज सुबह 9:30 बजे के करीब पंडोह डैम के पास एक ट्रक जो है, जिसमें केरोसिन की सप्लाई थी, वो सड़क से नीचे गिर गया है और जो ओनर एंड ड्राइवर जो हैं ट्रक के, उनको इंजरीज आई हैं। उनको जोनल हॉस्पिटल मंडी लेके आया गया है इलाज के लिए। हमारी पुलिस के जो आईओ हैं वो मौके पे मौजूद हैं और अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, बिकॉज जो ड्राइवर है वही ओनर है, वही बता रहे हैं कि इट वॉज आर्मी सप्लाई, बाकी डिटेल्स अभी ली जा रही हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रोवर होटल कांगड़ा।